हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की ये एक बुकलेट है, जो इनकी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल बुकलेट है, जो आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम देखिए गर्ल्स हॉस्टल बॉय हॉस्टल दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है कि कितने हॉस्टल है, कितनी सीट हैं, किस तरह एडमिशन प्रोसीजर होना है और क्या रूल रेगुलेशन है, क्या फीस की पेमेंट है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम बारी बारी स्टेप वाइज सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे देखिए सामने दिया है देर आर 17 हॉल्स, मतलब कुल मिला के 17 हॉस्टल इस पूरे यूनिवर्सिटी में हैं। 10 बॉयज़ के लिए है, उस 10 में से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, और जो 7 गर्ल्स के लिए है उसमें से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। तो कुल मिला के हमारे 17 हॉस्टल में कुल मिला के 2600 सीटें हैं, तो जो कि आपके मेरिट रैंक और परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेंगी। ये इनके पहले लाइन में इन्होंने लिखा है। DSW क्या होता है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर का एक एसोसिएशन इनका होता है, उससे ये सारा ये ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा हैंडल करते हैं। देख आप आगे देखिए हमारी एडमिशन प्रोसीजर क्या है। देखिए एडमिशन कमेटी मैंने बताया DSW होती है, वो हर यूनिवर्सिटी का यही होता है। अब हम एडमिशन प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में देखिए क्या है, तो जो फ्रेशर्स स्टूडेंट जो अभी नए इस साल जा रहे हैं, उनको हॉस्टल लेने के लिए काउंसलिंग के टाइम ही उनको टिक मार्क करना पड़ेगा कि उनको हॉस्टल चाहिए। ठीक, हॉस्टल पाने कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे कौन कौन हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आगे दिया हुआ है। देखिए ओल्ड स्टूडेंट के लिए हम यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन बता दें ओल्ड स्टूडेंट को अगर हॉस्टल चाहिए तो उनको अपना नाम भर देना है, जब वैकेंट सीट होगी तो उनको कॉल जाएगी। एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन इन द हॉस्टल, देखिए आपकी जो काउंसलिंग के बाद जो आपकी कमेटी होगी, वो आपके सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो होंगे उनकी जो लिस्ट है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। देखिए एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, द एडमिशन जो कि पूरा स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड होगा, यहाँ पे इन्होंने इस पूरे पैरा में लिखा है। देखिए जो क्या बोलते हैं मेन स्ट्रीम कोर्स हैं, मतलब जो वोकेशनल कोर्स है उन पे नहीं, जो मेन स्ट्रीम जैसे BA, BSc, BCom, LLB इन लोग के लिए हॉस्टल है, जो ऑप्शनल या फिर वोकेशनल कोर्स है उनके लिए हॉस्टल नहीं है। देखिए अब यहाँ पे देखिए सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60% जितनी सीट है पूरे हॉस्टल में, उतनी अंडर ग्रेजुएट मतलब BA, BSc, बैचलर डिग्री वालों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मिलेगी, 40% पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए है। फिर उसके आगे देखिए, अब अंडर ग्रेजुएट में जो फर्स्ट ईयर में है उनको 50% सीट मिलेगी, और किसकी, जो अंडर ग्रेजुएट की 60% मिली है। तो मगर साधारण बात में बोलूँ तो जितनी सीट UG के लिए है उसमें से 50% पहले ईयर वालों को मिलेगी, 30% सेकेंड ईयर वालों को, और 20% थर्ड ईयर वालों को। ठीक, तो अब PG में क्या है कि 60% फर्स्ट ईयर वालों को और 40% थर्ड ईयर वालों को, तो ये इनका रूल रेगुलेशन है। अगला देखिए जो 5 ईयर के कोर्सेज हैं उसमें देखिए 40, 20, 20, 10, 10 ये इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से इन्होंने बांट रखा है। स्टूडेंट सिक्योरिंग, देखिए जिनके मार्क्स 50% से कम आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में उनको हॉस्टल कत्ता ही नहीं मिलेगा। नो अलाटमेंट, देखिए डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्स मैंने बताया शॉर्ट टर्म कोर्स है उनको नहीं मिलेगा। ठीक, नो अलाटमेंट फॉर स्टूडेंट हैविंग बैक पेपर, जिसके बैक पेपर है उनको भी हॉस्टल नहीं मिलता, ये हालांकि एडमिशन के बाद की बात है। देखिए नंबर ऑफ सीट, द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड फॉर डिफरेंट स्ट्रीम में वेरी। देखिए BA के लिए सीट जो अलॉटमेंट होगा बहुत ज़्यादा होगा, LLB के लिए बहुत कम होगा, क्योंकि BA के जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो सीट के प्रोपोर्शन में लोग सीट रखते हैं। ठीक, और द अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल सेल बी फ्रेश एट द स्टार्ट ऑफ द ईच एकेडमिक सीजन, जो मतलब स्टार्टिंग होगा वो एकेडमिक के जो स्टार्ट टाइम होता है उस समय से ही माना जाएगा, आपका पहला साल पहला दिन उसी दिन से शुरू होगा। ठीक, फिर ये आगे आपके काम की चीज़ें इसमें नहीं है, बस यही लिखा है कि इसमें कि आपको हॉस्टल एक साल पूरा होने में 3 दिन पहले छोड़ना पड़ेगा, ठीक, ताकि वो अपनी मेंटेनेंस कर सके। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है आपके एडमिशन लेने की हॉस्टल में। एलिजिबिलिटी देखिए एन एप्लीकेंट जो आपको एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी, सबसे पहले ये है कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन एक स्टूडेंट होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। आगे हम देखिए जो लखनऊ के जिनका लखनऊ में घर है या कि जिनके माता पिता लखनऊ में रहते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ठीक, लखनऊ के बाहर वालों को ही मिलेगा, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तो हॉस्टल है ही। और फुल टाइम देखिए एप्लीकेशन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एनी वेयर, ठीक है, फुल टाइम हाफ टाइम वालों के लिए कोई जगह नहीं है इसमें। एप्लीकेंट शुड नॉट
अवेल लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्टल फैसिलिटी फॉर अ कोर्स ऑफ सेम लेवल अर्लियर, मतलब इसके पहले भी अगर कोई अर्लियर कोर्स के लिए आपने हॉस्टल आपको मिला है तो फिर से आपको अलॉट नहीं होगा, ठीक, ताकि आप पता चला अपने भी हॉस्टल ले रहे हैं दूसरों को भी दिलवा रहे हैं, ठीक, और 8 साल हो गए 12 के बाद तब भी आपको हॉस्टल में नहीं मिलेगा, ठीक। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो फॉरेन के स्टूडेंट, उनको वीज़ा उनको होना चाहिए, और एन एप्लीकेंट वाइज सीकिंग एडमिशन एंड ड्यूरिंग स्टे इन हॉस्टल फुल, मतलब सारे रूल रेगुलेशन आपके हॉस्टल के मानने पड़ेंगे, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। री एडमिशन भी देखिए, ये हमारे पहले एडमिशन तो मिले, बाद में हम री एडमिशन देखेंगे, तो इसको हम आगे चलते हैं। हॉस्टल फी हमारे लिए बहुत जरूरी है, देखिए हॉस्टल फी में ये क्या कहते हैं, द फी विल बी रिवाइज एवरी ईयर विद 7.5% इन्हेंसमेंट इन द रूम रेंट फॉर अपकीप, मतलब पर ईयर वो अपनी फीस को बढ़ाएंगे आपके इन्हेंस करने के लिए आपकी क्वालिटी को, तो हॉस्टल की क्वालिटी आपकी इन्हेंस होगी, ठीक। और यहाँ पे द एडमिशन कमेटी में डिसाइड जो टर्म एंड कंडीशन मेस फीस की होगी वो भी वो लोग डिसाइड करें, मतलब इन्होंने पूरा फिगर यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि बार बार बदलता रहता है, ठीक। और फिर देखिए फी रिफंड की वहाँ पे इन्होंने बात की है, नो फी रिफंड नहीं होती है यहाँ पे हॉस्टल की, और परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ एग्रीगेट फी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन नोटिस ऑफ विदड्रॉल ऑफ एडमिशन इज सर्व टू द यूनिवर्सिटी इवन इफ द स्टे इज ऑफ वन डे, एक दिन के लिए भी आप रहिए और फी पे कर दिए आपकी फीस नहीं पेमेंट होगी और रिफंड होगी, बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन बाय द यूनिवर्सिटी 100% आपकी हो जाएगी अगर आप पहले ही उसको नोटिफाई कर देंगे, और लास्ट डेट निकल गई आपकी तो आपकी 0% होगी, ठीक। परसेंटेज यहाँ पे बताया है कि कितने परसेंट आपकी वापस होगी, 100% वापस हो जाएगी अगर आप पहले ही नोटिफाई कर देंगे। कैंसलेशन ऑफ एडमिशन, आपका एडमिशन क्यों कैंसिल कर देंगे हॉस्टल में ये लोग, अगर आप वहाँ के रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करोगे, इलीगल एक्टिविटी करोगे, एंटी सोशल एक्टिविटी होगी, कोई डैमेज हॉस्टल प्रॉपर्टी करोगे, किसी और स्टूडेंट को क्षति पहुँचाओगे तो आपका एडमिशन वो हॉस्टल में कैंसिल कर देंगे। अब बाकी देखिए ये वो सब चीज़ें हैं जो हॉस्टल में आपके जाने के बाद आपको ये रूल रेगुलेशन, देखिए ये काफ़ी लंबा है, ये पूरी बुकलेट है, तो ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ये जब आप एडमिशन ले लोगे तब की है, पर हमें एडमिशन तक का ही जानना था तो मैंने आपको एडमिशन तक का बता दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जो आपको दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।